तो दोस्तों आज आए हम मम्मी के मामा जी के यहाँ बगीचे पे। तो आपको बता दूं, खूब सारे यहाँ पे जो बगीचे हैं तो इनमें आम वगैरह और भी फल फ्रूट और सब्जियाँ हैं। तो आज हम यहाँ घूमने आए हैं और घुमाते हैं आज बगीचे पे आपको। तो आप बने रहें वीडियो में लास्ट तक, और वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए फिर आपको लेके चलता हूँ मैं अंदर बगीचे के अंदर। तो दोस्तों अभी चल रहा है खेत के अंदर पानी, जो कि पौधों में और पेड़ों में दिया जा रहा है। देख सकते हैं आप, मम्मी और मैं घूम रहे हैं बाग में। गर्मी भी है लेकिन यहाँ अच्छा लग रहा है थोड़ा मौसम। पेड़ पौधे हैं तो ज्यादा, यहाँ लगभग 7-8 डिग्री कम है। और ये नाना जी हैं, इन्हीं का एक बगीचा है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं छोटा सा पेड़ है यहाँ पे, इतनी अच्छी वैरायटी लगाते हैं कि इसमें एक छोटा सा आपको दिखाता हूँ बैक। देख सकते हैं आप, छोटे से पेड़ में आम आ रहा है। ठीक है, मम्मी जा रही है, सब्जी भी हो रही है, ग्वार फली वगैरह लग रही है काफी जो है, देख सकते हो आप। दोस्तों अभी आप देख रहे हो अंगूर, ये भी थोड़े अभी कच्चे हैं। अमरूद भी लगे हुए हैं बहुत सारे, लेकिन अमरूद क्या है इस सीजन के थोड़े खराब होते हैं, तो सर्दियों में ज्यादा अच्छे होते हैं। तो सर्दियों का मैं पिछली बार नाना जी के आया था तो वो फोटो मेरे पास पड़ा है, मैं वो डाल दूंगा आपके लिए देखने के लिए। बहुत अच्छा लगेगा आपको ये ब्लॉग, बने रहे वीडियो में लास्ट तक। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आया हूँ तो सब्सक्राइब कर दें। आजकल ऐसे बगीचे बहुत कम देखने को मिलते हैं, नींबू के पेड़ भी हैं, सब्जी। तो दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे अभी गन्ने, इनके अलावा यहाँ पे एप्पल के पेड़ भी हैं लेकिन वो अभी छोटे हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये है दोस्तों स्टार फ्रूट का पेड़, जिसे कमरक बोला जाता है। और ये सारी पलटन चल दी हमारे लिए कुछ और तोड़ने के लिए, जैसे कटहल है, अभी कटहल नहीं मिली हमें। और पपीता देखो, पका हुआ पपीता, तो अमरूदों का बाग है, यहाँ पे पपीता भी लगा हुआ है पका हुआ। अब इस पे हमारा मन जा रहा है ये टूटेगा अब, ठीक है। देख सकते हो कितना पका हुआ है। अभी आप देख सकते हैं कितना पका हुआ पपीता है। दोस्तों अभी चलते चलते हमें चीकू का पेड़ भी मिल गया है फाइनली, जो नाना जी लग रहे हैं देखने के लिए, इनको मिल गए हैं दो चीकू, देख सकते हो आप ये रहे। तो अभी कच्चे हैं थोड़े, तो अभी नहीं तोड़ सकते इनको, कच्चे हैं अभी ये बिल्कुल। ये मौसमी का पेड़ आप देख सकते हैं, मौसमी भी इसमें लगी हुई है जो कि कच्ची है अभी बिल्कुल। ये है इलायची, ये इलायची का फूल है। इसके अलावा यहाँ पे केले के पेड़ भी लगे हुए हैं, के पेड़ के पास में खड़े हैं। तो पूरा पेड़ जो आम से भरा हुआ है, बिल्कुल लदा हुआ पड़ा है पूरा। और ये मम्मी और हमारे पीछे नाना जी, जो मम्मी के मामा जी हैं, उनके बगीचे पास हम आए हुए हैं। अभी आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है पेड़। और दिखाता हूँ आम का आपको, जो भी पेड़ है देख सकते हो आप कितने आम लगे हुए हैं, कितने सारे आम हैं और पूरा भरा हुआ पड़ा है। जो तोड़ चुके हैं आम, कच्चे आम, पूरा कट्टा भर दिया हमारे लिए, आप देख सकते हो। ये देखो मामा बढ़िया वाले आम लेके आए, ये बड़े जो अपने क्वालिटी होती है बाजार में होते हैं, जो पकाने के लिए हैं घर, क्योंकि अभी तो पेड़ पे पके नहीं है, तो घर पे पकाएंगे हम इन्हें। अभी थोड़ा आगे चलने पर हमें मिला है कटहल का पेड़, अभी हम मम्मी घर के लिए कटहल का पेड़ पूरा लदा पड़ा है कटहल से, ठीक है। अभी मैं कटहल काटने वाला हूँ।
थोड़ा भी खराब हो। देख रहे हो साइज कितनी बड़ी साइज है, पूरे पेड़ पर लग रही है, दो पेड़ों पे है। ये मामा जी है, नाना जी और मम्मी देखो खूब सारा सामान भर के ले जा रहे हैं और ये अभी अभी तोड़े हैं और मतलब तोड़ते जा रहे हैं रास्ते में जो भी पेड़ मिल रहा है, सब पेड़ों में से थोड़े थोड़े आम तोड़े जा रहे हैं। तो खूब इनका कैरी पानी पियेंगे आज और खूब अचार डालेंगे, मीठी कैरी बना के लो जी। जे लगे हुए हैं केरुंदा जिनको बोला जाता है, कच्चे हैं अभी आम खूब सारे हैं। लेकिन दोस्तों ब्लॉग होता है पूरा, यदि आप यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं।